बिहार विधानसभा के चुनाव के आखिरी चरण से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों के लिए लिखा पत्र, कहा नीतीश सरकार की है जरूरत। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संन्यास वाले बयान पर ली चुटकी, कहा टायर्ड नीतीश सरकार ने अपना रिटायरमेंट स्वीकार कर लिया है। बिहार बेकरार है, बिहार में बदलाव की बयार है और बिहार में महागठबंधन सरकार है। नीतीश कुमार ने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। इमोशनल कार्ड एक खेला है, इमोशनल कार्ड क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने हार स्वीकार कर ली है, नीतीश बाबू ने भी हार स्वीकार कर ली है, ये मान करके ये उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार के संन्यास वाले बयान पर रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी बोला हमला, कहा नीतीश कुमार को अब आराम की जरूरत। हाँ, उन्होंने स्वीकार कर लिया, साफ साफ कहा है कि मेरा अंतिम चुनाव है, आखिरी चुनाव, तो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुँच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए, उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक हो। राजद सुप्रीमो लालू यादव को लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई 27 नवंबर तक टली, अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे लालू। सासाराम के बाजार समिति के प्रांगण में रोहतास जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों का नामांकन किया जाएगा सुनिश्चित, प्रांगण में सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम मशीन को वज्रगृह में किया गया सील, वहीं मौके पर तैनात सुरक्षा बल दिन रात ईवीएम की कर रहे निगरानी। पूर्णिया के जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिला पदाधिकारी और एसपी ने 7 नवंबर को होने वाले तीसरे और आखिरी चरण के मतदान से पूर्व रंगभूमि मैदान में पेट्रोलिंग कम ईवीएम कलेक्टिंग मजिस्ट्रेट पीसीसीपी के संयुक्त रूप से किया ब्रीफिंग। डीएम ने कहा कि मतदान को शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं सफलतापूर्वक किया जाए। शौचालय, पेयजल, शेड, इलेक्ट्रिसिटी, यह सारी सुविधाएं रहेंगी। इसके अलावा हेल्प डेस्क रहेगा जो आने वाले सभी मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग जहां पे की जाएगी, उन्हें ग्लव्स दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। सहरसा जिले में शाहपुर पंचायत के सरपंच लक्ष्मी मिस्त्री की गोली मारकर की हत्या, ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति से फोन पर हुई थी की बहस, वहीं घटना के बाद मामले की छानबीन में जुटे एसडीपीओ।